इमाद वसीम का स्टैट जो है T20 के उनके मैचेस हैं 47 और विकेट्स लिए हैं इमाद वसीम ने 47। इकॉनमी जो है इमाद वसीम की वो ज़बरदस्त है 6.17 एंड एवरेज इनका है 21.9। ये इमाद वसीम कैप्टन है, बहुत ही अच्छे कैप्टन है ये, होपफुली के कराची को फाइनल में पहुंचा देंगे। और बाबर आजम के स्टेट्स जो हैं वो T20 के वो मैचेस 44 खेल चुके हैं बाबर आजम। आप सब जानते हैं बाबर आजम कितने ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनके रन हैं 1681, इनका एवरेज 50.9 एंड स्ट्राइक रेट इनका है 130। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, होफ के ये भी अच्छा खेलेंगे कराची के लिए और फाइनल में पहुँचाएंगे। देन नेक्स्ट जो है वो है एरिक्स हेल्स, इनका बैटिंग स्टेट्स आप देख सकते हैं, मैच 60, रन 1644, एवरेज 41 एंड स्ट्राइक रेट 136.7। बहुत ही ज़बरदस्त और VIP प्लेयर हैं ये, इंग्लैंड की तरफ से हैं और कराची की टीम में खेलेंगे। और नेक्स्ट बैट्समैन जो है वो है कैमरन डेलपोर्ट। डेलपोर्ट जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है, लास्ट ईयर आप सबको याद होगा कि लाहौर के खिलाफ इन्होंने इस्लामाबाद की टीम में खेलते हुए 137 या 127 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। इनके जो मैचेस हैं वो हैं 246, 5589 इनके रन से, एवरेज 25.8 एंड स्ट्राइक रेट 139.7। मोहम्मद आमिर बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, आप सब जानते हैं इनके T20 स्टेट जो है मैचेस इन्होंने 50 खेले हैं, 59 विकेट्स ले चुके हैं एंड इकॉनमी रेट जो है 7.2 है जो कि बहुत अच्छा होता है T20 में, और एवरेज इनके 21.41। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं ये भी। देन नेक्स्ट प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर हैं आमिर यामिन, T20 स्टैट इनके क्या हैं, इनके हैं मैचेस 84, इन्होंने विकेट लिए हैं 80 और इकॉनमी जो है इनका 8.1 है और एवरेज इनकी 30 है। ये बहुत अच्छी इनकी एवरेज है और विकेट्स भी अच्छी ली हुई हैं इन्होंने, बहुत अच्छे ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं ये अपनी टीम के लिए। और जो नेक्स्ट बैट्समैन है, नेक्स्ट बॉलर हैं, ये बॉलर का नाम है उमर खान, ये भी बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हैं, इन्होंने 23 मैचों में 20 विकेटें ली हैं, 8.12 इनका इकॉनमी, एवरेज इनका 26.4 एवरेज है, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये भी। और जो नेक्स्ट हैं वो हैं बैट्समैन जिनका नाम है शजील खान, आप सब जानते हैं शजील खान बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इन्होंने मैचेस खेले हैं 92 और इन्होंने रन हैं 2239, 2239 रन बना चुके हैं ये अभी तक T20 में ऑल ओवर, और स्ट्राइक रेट इनका है 139, 139 इनका स्ट्राइक रेट है। नेक्स्ट जो है वो इफ्तिकार अहमद है, इफ्तिकार अहमद भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आप सब जानते हैं, जैसे कि ये पाकिस्तान टीम में भी करंटली अभी खेल रहे हैं, इन्होंने 113 मैचेस खेल रखे हैं, 2157 इनका स्कोर है, स्ट्राइक रेट जो है इनका वो 121.8 है। और जो नेक्स्ट देन बैट्समैन है उनका नाम है चैडविक वॉल्टन, बहुत अच्छे बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के, विकेट कीपर बैट्समैन है, इन्होंने T20 मैचेस खेल रखे हैं 157, 157 और रन इनके हैं 333, 3330 इनके स्कोर, स्ट्राइक रेट इनका 123.9। और जो नेक्स्ट हैं उनका नाम है अरशद इकबाल, बॉलर हैं ये, इनके मैचेस हैं 16 और ये ले चुके हैं 19 और इकॉनमी इनकी 7.48 है, एवरेज इनका 22.6, बहुत अच्छे बॉलर हैं ये भी। और जो नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट का नाम है मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर बैट्समैन हैं ये, पाकिस्तान की टीम में करंटली अभी तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। मोहम्मद रिजवान के T20 स्टैट्स में इन्होंने मैचेस खेल रखे हैं 116, रन इन्होंने बना रखे हैं 1930, स्ट्राइक रेट है इनका 108.7 जो कि अच्छा स्ट्राइक रेट कह सकते हैं हम, अच्छा स्ट्राइक रेट है बिकॉज ऑफ ये अभी दिन ब दिन अपने परफॉर्मेंस भी अच्छी करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है उनका नाम है उमेद आसिफ, इन्होंने मैचेस खेल रखे हैं 79, विकेट्स ले रखी हैं 87, इकॉनमी रेट जो इनका 7.71 जो कि बहुत अच्छा होता है T20 में, एवरेज इनका है 24.9। बहुत ही अच्छे बॉलर हैं ये, लास्ट ईयर इन्होंने पिछावड़ों की तरफ से खेला था, पिछावड़ जलमी की तरफ से, इस ईयर ये खेल रहे हैं कराची किंग्स से। और जो नेक्स्ट है उनका नाम है अवैस ज़िया, अवैस ज़िया भी बहुत ही ज़बरदस्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, इन्होंने 89 मैच खेले हैं अवैस ज़िया ने, रन अवैस ज़िया के हैं 2051 और इनका स्ट्राइक रेट है 130 मीन्स 130.1। बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है ये, ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं, फील्डर भी ज़बरदस्त हैं। रदरफोर्ड भी बहुत अच्छे बैट्समैन है वेस्ट इंडीज़ के, फर्स्ट टाइम खेले हैं कराची की टीम में, इन्होंने जो मैचेस खेल रखे हैं 46, रन 640 है, स्ट्राइक रेट रदरफोर्ड का 133.9, 133.9
और जो नेक्स्ट है वो है वकास मकसूद। वकास मकसूद बहुत अच्छे ही बॉलर हैं, इन्होंने जो मैचेस कर रखे हैं 40 हैं, 43 इनके विकेट्स हैं। इकॉनमी 7.21 है, एवरेज 24.5। बहुत ही अच्छे क्लास के बॉलर हैं वकास। वकास बहुत अच्छे बॉलर हैं। और जो नेक्स्ट है वो है वैन पार्नेल। वैन पार्नेल हैं वो भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, इन्होंने मैच खेल रखे हैं 40 विकेट हैं 43 और एवरेज 8.31। हिस्ट्राइक रेट इनका है 25.3। वैन पार्नेल साउथ अफ्रीका से हैं और साउथ अफ्रीका की टीम में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं ये, और कराची की टीम में भी होपफुली अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सो ये था कराची किंग्स का स्क्वाड। अब जो नेक्स्ट स्क्वाड आएगा वो आएगा मुल्तान सुल्तान का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।